नमस्कार दोस्तों, DC247 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोग, आपको बताने वाला हूँ जुलाई का करंट अफेयर बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा IPL के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? IPL के बारे में। IPL का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में, ठीक है। और IPL दोस्तों जो है पहली बार कब खेला गया? 2008 में खेला गया, ठीक है। कब खेला गया पहली बार? 2008 में। इसमें तो जो विजेता टीम थी कौन सी थी? राजस्थान रॉयल्स थी, ठीक है। और इसमें उप विजेता थी CSK। कौन सी टीम थी? CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। और दोस्तों बताना चाहूँगा 2019 में कौन जीता था? मुंबई इंडियंस। किसको हरा दी? चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से, ठीक है। और थोड़ा दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें जो है टीम कितना हिस्सा लेती है, कितनी टीमें खेलती हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें जो टीम होती है खेलती है 8। कितनी टीम हिस्सा लेती हैं? 8 टीम हिस्सा लेती है दोस्तों, ठीक है। और बताना चाहूँगा थोड़ा सा इस बार का जो IPL होने वाला है 2020 का, आपका 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 तक चले होगा। आपका कहाँ होने वाला है? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में, जिसकी राजधानी क्या दोस्तों? अबू धाबी है, ठीक है। बहुत दिन से आप लोगों को इंतज़ार था IPL कब होगा कब होगा, मगर आप लोग लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हैं 19 सितंबर से स्टार स्पोर्ट में और हॉटस्पॉट बहुत जल्द, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जो IPL कराता कौन है दोस्तों? BCCI। कौन कराता है दोस्तों? BCCI, ठीक है। कौन कराता है? BCCI। थोड़ा दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोगों को, अभी तब इसके अध्यक्ष थे सौरभ गांगुली जी, जिनका कार्यकाल 27 जुलाई को फिनिश हो गया। अगला कोई बनेगा जल्दी वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो BCCI जो है क्वेश्चन आता है इस्टेब्लिश कब हुआ दोस्तों? दिसंबर 1928 में इस्टेब्लिश हुआ ये। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? मुंबई में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BCCI का मुख्यालय लोग दिल्ली में लगाते हैं, मगर मुख्यालय कहाँ था? मुंबई, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आते हैं CRPF में। CRPF पहले तो क्लिक होना चाहिए माइंड में आप लोग का। CRPF का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या फुल फॉर्म है? सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका दोस्तों आदर्श भाग जो है एग्जाम में जरूर पूछता है, तो सेवा और निष्ठा जो है दोस्तों इसका आदर्श भाग है, ठीक है। और इसके जो है महानिदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में? अभी बने हैं AK महेश्वरी, ठीक है। और स्थापना दोस्तों बताना चाहूंगा इसकी जो स्थापना भाई है 27 जुलाई 1939 को इस्टेब्लिश हुआ है। 27 जुलाई 1939 को जो है इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? मुंबई में नहीं, कहाँ? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन ये आने वाला है कि जो CRP अपने अपना कौन सा स्थापना दिवस 27 जुलाई को जो है मनाया है, तो कौन से किस नंबर का दोस्तों? 82वें नंबर का जो है अपना स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट किया। किस नंबर का? 82वें नंबर। डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है कि 27 जुलाई 2020 को जो है CRP अपने कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया, तो किस नंबर का? 82वां, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करने में रेलवे क्वेश्चन ले रहे हैं। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष बने हैं कौन? अरुण कुमार। ये अभी तक जो है अभी तक ये थे जो थे RPF के अध्यक्ष महानिदेशक थे, अब क्या इसके उपाध्यक्ष बन गए? रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष बन, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बहुत इनके लिए पोस्ट बढ़ गई, बहुत बड़ी बात है इनके लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं, उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन जो है दोबारा PM बन चुके हैं, बोरिस जॉनसन, ठीक है। दोस्तों बताना चाहूँगा जब कोरोना जो COVID-19 जब फैला था तो इनको जो है संक्रमण से ग्रसित हो गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है, कोरोना वायरस से, ठीक है। और जब ब्रिटेन का नाम आया तो क्लिक होना चाहिए माइंड में, ब्रिटेन की राजधानी क्या है दोस्तों? क्या राजधानी है? लंदन। और यहाँ दोस्तों मुद्रा कौन चलती है? पाउंड। यहाँ मुद्रा चलती कौन सी दोस्तों? पाउंड। यहाँ से क्वेश्चन आता है जो है कि क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को जो है क्रिकेट का जन्मदाता देश माना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा था, मतलब कुल मिला के क्रिकेट किसकी देन है? इंग्लैंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। 25 जुलाई पे
25 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को जो है कोरोना वायरस संक्रमित हो गए। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो हैं शिवराज सिंह चौहान जो हैं पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो कि कोरोना वायरस संक्रमित हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और कहाँ के हैं आपके, मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या दोस्तों, भोपाल। और यहाँ का जो है जो यहाँ की राज्यपाल हैं, अतिरिक्त भार संभाल रही हैं उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का, आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल। थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, आनंदीबेन पटेल जो हैं गुजरात की जो हैं मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, याद रखिए एग्जामों में आ चुका है, व्यापक पेपर में आ चुका है, आनंदीबेन पटेल जो है कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो गुजरात की, पटेल से पकड़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना मतलब लगाएगा, तो कौन सरकार आपकी, झारखंड, याद रखिए कौन सरकार आपकी, झारखंड। ठीक है दोस्तों, झारखंड, झारखंड ने कह दिया है अगर आप बिना मास्क के घूमते हैं तो आपको जो है 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। जब झारखंड का नाम है तो दोस्तों झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। क्या राजधानी है आपकी, महेंद्र सिंह धोनी भी यहीं से बिलोंग करते हैं, रांची से। और यहाँ के सीएम का नाम है हेमंत सोरेन, सीएम का नाम है यहाँ के हेमंत सोरेन, सोरेन। ठीक है, याद रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू वहाँ की राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोग का, खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है आपके हरियाणा के पंचकुला में होने वाला, कहाँ होने वाला है, हरियाणा के पंचकुला में होने वाला है, याद रखिएगा, हरियाणा के पंचकुला में होने वाला है। अगर आपके माइंड में हरियाणा आया दोस्तों, तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्या। थोड़ा खेलो इंडिया के बारे में और थोड़ा दोस्तों बताना चाहूँगा, खेलो इंडिया जो यूथ गेम है इसमें जो है किस एज के बच्चे खेलते हैं, और दोस्तों बताना चाहूँगा 17 से 21 साल तक के जो हैं एज के बच्चे खेलते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा बताना चाहूँगा इसका जो है उद्घाटन कौन करेगा, तो उद्घाटन जो है खेल मंत्री कौन, स्पोर्ट्स मंत्री प्रेजेंट टाइम में आपके खेल मंत्री हैं, प्रेजेंट टाइम में खेल मंत्री किरण रिजिजू, ये जो है खेल मंत्री हैं, ये उद्घाटन करेंगे। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन, मनोहर लाल खट्टर साथ में करेंगे। थोड़ा दोस्तों और बताना चाहूँगा, जो 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ असम की असम में कहाँ हुआ, गुवाहाटी में हुआ, कहाँ हुआ, ये जो है आपका 21 नंबर का दोस्तों 4th नंबर का आयोजित होने वाला है आपका 2021 में हरियाणा के पंचकुला में। और आपका 2019 में हुआ था तीसरा एडिशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, असम में कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों, गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, गुवाहाटी में हुआ था। और इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री किए थे, उनका नाम क्या था, असम के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या, सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी, और खेल मंत्री कौन थे उस समय अपने, किरण रिजिजू साहब, अभी भी यहाँ प्रेजेंट टाइम में उन्होंने उद्घाटन किया। थोड़ा दोस्तों बताना चाहूँगा, जब यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ तो उसमें प्रथम स्थान किसका था, महाराष्ट्र का था, याद रखें 19 प्लस जो है 18, दो बार लगातार जो है उनका प्रथम स्थान था महाराष्ट्र का। और असम का जो स्थान लगा दोस्तों 7वां स्थान लगा, खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा स्थान लगा, 7वां स्थान। तो क्वेश्चन बन सकता है जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में हुआ था उसमें असम का स्थान कौन सा था, कौन सा था, 7वां। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच।